राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आपको नोते भाई बोलने का, क्या राम मंदिर के पुजारी है आप? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। धर्म और सियासत अलग अलग हिस्सा है। सियासत में धर्म नहीं आना चाहिए, लेकिन धर्म को एक पार्टी खूब लाती है और उसी आधार पर काम करती है। दरअसल अमित शाह का एक बयान जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। अमित शाह के उस बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का कॉमेंट भी आ गया है, रिएक्शन भी आया, वो भी हम आपको बताएंगे। अमित शाह ने दरअसल कहा क्या, अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर की तारीख तय हो गई, 1 जनवरी 2024 को आइए, राम मंदिर की जो है जाइए दर्शन करिए। यह तारीख त्रिपुरा में बताई गई क्योंकि त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले अमित शाह जी ये तारीख वहां के लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। यानी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने का सिलसिला पहले से चला आ रहा था, अब चल रहा है। पहले यह था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन विपक्ष पूछा था कि तारीख कब बताएंगे। अब ये कह रहे हैं तारीख फिक्स हो गई है, 1 जनवरी 2024। 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इसी बात को लेकर बकायदे मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने आड़े हाथों इसको ले लिया। पूछने लगे कि मंदिर के पुजारी हैं क्या आप अमित शाह जी, आपको मंदिर से क्या मतलब है? मंदिर तो हम सब की आस्था का केंद्र, हम सब जाएंगे वहां दर्शन करने, भगवान राम का दर्शन करने, लेकिन आप विशेष रूप से इसका प्रयोजन क्यों सिद्ध कर रहे हैं? क्योंकि त्रिपुरा में इसलिए आप भाषण दे रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का कपाट खुल जाएंगे, राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, राम मंदिर में आप जाकर दर्शन कर सकते हैं भगवान राम लला के। ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं और 2024 का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। अब मैं दोनों बयान आपको सुनाता हूं। पहले अमित शाह जी को सुन लीजिए कि अमित शाह जी ने क्या कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे राहुल गांधी और मैं पार्टी का अध्यक्ष था, राष्ट्रीय अध्यक्ष था, और ये लोग मेरे बारे में टिप्पणी कर रहे थे कि ये लोग कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो अब तारीख बता रहे हैं। तो जरा देखिए कैसे तारीख बता रहे हैं अमित शाह जी। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, बड़े राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। सुन लिया आपने, अमित शाह जी तारीख बता रहे हैं। अमित शाह जी बता रहे हैं कि इस डेट पे, फलाना डेट में आप पहुंचिए, यानी 1 जनवरी 2024 को आप पहुंचिए, दर्शन करिए। मई में चुनाव होने वाले हैं, मई जून के आसपास जो है लोकसभा चुनाव होंगे, उसके पहले मंदिर कपाट खुलेंगे, ये पूरा प्रॉफिट लेने की कोशिश है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बात को लेकर धर लिया अमित शाह जी को। अमित शाह जी को कह दिया कि भैया आप मंदिर के पुजारी हैं क्या? जरा देखिए कैसे बयान दिया है, कैसे मंच पर भाषण दिया है कि कैसे इलेक्शन में, चुनाव में राम मंदिर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। त्रिपुरा में इलेक्शन है, वहां शाह चाहते हैं, वो कहते हैं भाई राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी, वो भी चुनाव में, और आने वाले चुनाव में वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का, क्या राम मंदिर के पुजारी है आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत है आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो, आप क्यों है? आप पॉलिटिशियन है, आप देश को सुरक्षित रखना, कानून की व्यवस्था रखना, लोगों के पेट भरना और किसानों का दाम देना आपका काम है। तो आपने देख लिया, वैसे ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना फंडा रहा है। जब कार सेवा भी आपको याद होगी, जब गुजरात से चले थे, बिहार में गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद जब आगे का सिलसिला हुआ था, कार सेवकों ने जब हमला किया था अयोध्या में, सब आपको याद होगा। ये सिर्फ और सिर्फ सियासत का एक नजराना प्रस्तुत करने की बात है।
ये लोग राजनेता हैं, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आपने भी देखा कि राजनेताओं का काम क्या है। दरअसल राजनेताओं का काम यह होता है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। भाई आप हमारे टैक्स से पैसा लेके जा रहे हैं तो हमको वो सुविधा आप दीजिए, आपका काम तो यही है ना। आपका काम थोड़े ना है कि आप राम मंदिर की तारीख बताएं, आप कंस्ट्रक्शन वाले हो जाएं या फिर आप पुजारी हो जाएं, ये सब चीजें करने क्या आवश्यकता है। वो हमारी आस्था का विषय है, हर एक हिंदू की आस्था का विषय है भगवान राम। वो जाएंगे वहां दर्शन करेंगे, वो अच्छी बात है, मंदिर बन रहा बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं भी कोई गलत चीजें नहीं। लेकिन इसको मंच पर ये प्रस्तुत करना कि हम कर रहे हैं, हम राम लला को लाएं, और देखिए गाना भी बना था चुनाव में, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, यानी भगवान राम को अब ये लोग लाएंगे, आप ये अंदाजा लगा लीजिए, और ये बताएंगे तारीख भी कि मंदिर कब बनेगा, ये भगवान लला के दर्शन करने कब जाएंगे, राम लला के दर्शन करने कब जाएंगे। तो ये जो सियासत है ना, जिसमें भगवान राम को प्रस्तुत कर दिया गया है, ये बेहद गलत है। सियासतदानों को भगवान का नाम लेकर नहीं, अपने काम का नाम लेकर, अपने काम के बारे में बताकर जनता के सामने वोट मांगना चाहिए, ना कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहिए। लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धर्म को पूरी तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया, धर्म को लाके खड़ा कर दिया गया कि देखिए आप देखिए राम मंदिर हम बना रहे हैं, जब से हमारी सरकार बनी कोर्ट में मसला चल रहा था, हमने बहुत मेहनत की और सब कुछ हो गया। ये बात भी अमित शाह जी ने बोली आगे, वो बाइट मैंने नहीं सुनाई आपको, मैंने आगे का हिस्सा सुनाया जिसमें वो तारीख बता रहे थे, लेकिन पहले ही भी बोल रहे थे कि जब हमारी सरकार आई तो हमने राम मंदिर पर काम करना शुरू कर दिया, जब पिछली सरकारें थी तो मामले को अटका दिया गया था, कोर्ट में मामला लंबित था, हमारी सरकार बनते ही सब कुछ कोर्ट में ठीक ठीक होने लगा और राम मंदिर बन गया। मतलब पूरा श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है, वैसे श्रेय लेने की हर बार कोशिश की गई है। कृषि कानून आपको याद ही होगा, जब कृषि कानून लाया गया तब उसका श्रेय लिया गया, खूब उसकी उपलब्धियां बताई गई हैं टीवी चैनल्स पर भी कि मोदी जी ये बहुत बेहतरीन कानून लेकर आए, इससे बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और जब मोदी जी ने उसको वापस लिया तो बकायदे आकर मीडिया के सामने सब कुछ कहा कि हम ये वापस लेते हैं, किसानों को समझ नहीं आया है, हम दोबारा से इसमें जो है लाएंगे, उसका भी क्रेडिट ले लिया। मतलब लाए भी तब भी क्रेडिट और गए भी तब भी, मतलब हटाया भी तब भी क्रेडिट। तो क्रेडिट लेने में बहुत माहिर, और यही सब चीज़ें दिखाने के जनता के बीच कोशिश की जा रही है। अब लोग पूछ रहे हैं, नितिन अग्रवाल पूछते हैं, मतलब वो जो बयान दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पूछ रहे हैं राम मंदिर के पुजारी हैं क्या अमित शाह। प्रशांत टंडन ने लिखा कि खड़गे जी का अमित शाह से सवाल वाजिब है, गृहमंत्री का काम मंदिर कब बनेगा घोषणा करना नहीं है, ये काम राम मंदिर ट्रस्ट का है। बिल्कुल, ये काम जो है, जो राम मंदिर ट्रस्ट जिसको देख रहा है उसका ये काम है, आप वहां क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो चीजें हो रही हैं उससे आप अंदाजा लगाइए। देखिए मुनीश कुमार वर्मा लिख रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी आज हरियाणा के पानीपत शहर में 12 जोड़ यात्रा के समय अमित शाह के राम मंदिर पर दिए गए भाषण का सटीक जवाब दे रहे हैं, एकदम सटीक जवाब दिया, जो 1 जनवरी 2024 को मंदिर बनाने की बात कही गई अमित शाह जी के द्वारा, गृहमंत्री जी के द्वारा, इस पर सटीक जवाब जो है खड़गे ने दिया। खड़गे ने सीधे कह दिया भैया कि आप काम ये थोड़ी ना है कि ये सब करो। आप देखिए, एक नरोत्तम मिश्रा जी भी हैं, मैं नरोत्तम मिश्रा जी का भी बयान सुनाना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के वो गृहमंत्री हैं, वो भी गृहमंत्री हैं, जरा सुन लीजिए वो किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं और बकायदे ट्वीट भी कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बात चल रही है, 1 जनवरी 2024 की तारीख जो है वो गृह मंत्री जी ने दी है अमित शाह जी, इनका बुकिंग करा ली। ये कांग्रेसियों को राहुल बाबा को तारीख समझ में आ जाना चाहिए, राहुल बाबा के गुरु दिग्विजय सिंह को, जो बहुत कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लो आ गई तारीख, आइए आप भी दर्शन करिए और पुण्य के भागीदार बनिए। तो देख लिया आपने, अब ये सब 1 जनवरी 2024 का राग अलापना शुरू करेंगे, ये सब इसी पर सियासत करना शुरू करेंगे। देखिए लिख रहे हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अयोध्या में 1 जनवरी 2024 को भव्य गगनचुंबी राम मंदिर के तैयार होने की तारीख बता दी है, अब राहुल बाबा और उनके गुरु दिग्विजय सिंह जी को तारीख समझ में आ जानी चाहिए। मतलब ये एक अब तारीख को लेकर सियासत कुछ दिन की जाएगी, ये तारीख को लेकर बवाल कुछ दिन किया जाएगा, माहौल बनाया जाएगा कि 1 जनवरी 2024 को भगवान का राम का मंदिर बनके तैयार हो रहा है और इसमें सारा श्रेय अमित शाह जी को है क्योंकि अमित शाह जी ने तारीख तय कर दी है। तो ये जो सियासत है ना, वो तो किस ओर जाएगी, किस करवट बदलेगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब धर्म धर्म नहीं रह गया है, अब सियासी धर्म रह गया है, आप ये भी कह सकते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।